Hey guys, this is Zulkarnain and you are watching Cellotech YouTube channel. तो अभी तक हमने वेजर की वीडियो सीरीज में देख लिया कि वेजर क्या है, इसके अंदर मीडिया मैनेजर क्या है, रोल्स क्या हैं, यूजर्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से रोल्स असाइन किए जाते हैं। अब हम चलते हैं वेजर की कस्टमाइजेशन के अंदर। अगर हम कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, किसी व्यू को कस्टमाइज करना चाहते हैं, कंट्रोलर को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, या फिर हम अपने ऑन व्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं वेजर की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ओवरराइडिंग फाइल्स, हम किस तरह से फाइल्स को ओवरराइड कर सकते हैं या न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यू कैन ओवरराइड एनी ऑफ द पेड व्यूज फॉर द सिंगल बेड बाय क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। अगर हम किसी भी ब्रेड को अगर हम किसी भी ब्रेड को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें व्यूज के अंदर वेंडर के नाम से एक फोल्डर बनाना होगा और वेंडर के अंदर विजर के नाम से एक फोल्डर बनाना होगा। देन स्लग के नाम से एक फोल्डर बनाना होगा। अब ये स्लग क्या है? ये स्लग वो है जो आपने टेबल क्रिएट करते हुए या ब्रेड क्रिएट करते हुए स्लग ने मेंशन किया था, वही उसी स्लग के नेम से आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना होगा विजर के अंदर। तो हम चार फाइल्स को, टोटल फोर फाइल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। ब्राउज डॉट ब्रेड डॉट पी एच पी, एडिट रे डॉट ऑर्डर डॉट ब्रेड डॉट पी एच पी को हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो किस तरह से ओवरराइड होगा मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे वेंडर, ये फाइल्स, इन फाइल्स को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम वेंडर, वेजर और स्लग नेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ओवरराइड करेंगे। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा सबलाइन में, अपना प्रोजेक्ट ओपन करूंगा, तो व्यूज के अंदर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा वेंडर के नेम के साथ, और वेंडर के अंदर मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना होगा वेजर के नेम के साथ, और वेजर के अंदर मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना होगा स्लग नेम। स्लग नेम अब मैं चाहता हूँ कि मैं पोस्ट को ओवरराइड करूँ, तो उसके लिए पोस्ट जो है हमारा वो स्लग नेम है। स्लग नेम जैसे कि अगर मैं यहाँ पोस्ट, तो यहाँ पर मुझे सारी पोस्ट शो हो रही हैं, ये स्लग नेम हमें मेंशन करना होगा, तो वो मैं कर चुका हूँ। ये पोस्ट, पोस्ट के अंदर हम टोटल फोर फाइल्स को ओवरराइड कर सकते हैं ब्राउज डॉट प्लेट डॉट पी एच पी। तो मैं ब्राउज डॉट प्लेट डॉट पी एच पी को ओवरराइड करूँगा, मैं ओपन करूँगा पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इस फाइल का नेम रख दूंगा ब्राउज डॉट रेट डॉट पी एच पी, क्योंकि मैं ब्राउज की फाइल को ओवरराइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू सेलोटेक। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये चीज़ शो नहीं होगी, वेलकम टू सेलोटेक शो हो रहा है क्योंकि मैं ब्राउज की फाइल को ओवरराइड कर चुका हूँ। अब हमारे ब्राउज की फाइल कहाँ पर होती हैं, जो डिफॉल्ट होती हैं, हमें जाना होगा वेंडर के अंदर। वेंडर के अंदर हम जाएंगे, वेंडर के बाद हम जाएंगे टी सी जी के बाद हमें जाना होगा टी सी जी के बाद हमें वेजर के अंदर, वेजर के बाद हमें रिसोर्सेज और व्यूज में, जिसके बाद ब्रेड। आप देख सकते हैं ये ब्राउज डॉट, ये हमारा जो है ये डिफॉल्ट ब्राउज है। अगर हम इसको कॉपी करें और इसे अपने कस्टम क्रिएट किए गए ब्राउज में पेस्ट कर दें, तो हमें ये दोबारा सेम आउटपुट शो हो रहा हो क्योंकि हमने डिफॉल्ट ब्राउज डॉट ब्लेड की फाइल को कॉपी कर लिया है। अगर हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इस मास्टर्स को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सॉरी, मास्टर्स को डिलीट नहीं कर सकते, हमारा पूरा फाइल हम चेंज करते हैं। इस सेक्शन के टेबल को
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड और डिलीट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसे डिलीट कर, यहाँ पर हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। हम जो भी कस्टम चेंजेस करेंगे, जो भी हम कस्टम चेंजेस करेंगे, तो यहाँ वो हमें यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने आप तो इस तरह से मैंने आपको बता दी किस तरह से कस्टम रेट को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, हम कंट्रोलर्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइडिंग सबमिट बटन, तो हम सबमिट बटन को ओवरराइड करें तो हमें पूरा एडिट और अपडेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हैं सबमिट बटन को। उसके बाद आपका यूजिंग कस्टम कंट्रोलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम विजर कंट्रोलर्स को ओवरराइड कर सकते हैं। अगर हम विजर को कंट्रोलर्स को ओवरराइड करेंगे या फिर हम कस्टम कंट्रोलर्स यूज़ करेंगे, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। तो किस तरह से इंक्लूड होता है, अगर आपने मेरे कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं।